जो हमने जन्मदिन मनाया है 71वां, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो देश के ही नहीं लोकप्रिय नेता पूरी दुनिया के बन चुके हैं, और हमें बड़ी खुशी है मुस्लिम समाज के अंदर, मुस्लिम महिलाओं में, कि जिस तरीके से मुसलमानों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है और आगे भी करेंगे, सबको ऐसी आशा है। तो सबका साथ सबका विकास का नारा लेके जो भाजपा चल रही है मोदी जी के नेतृत्व में, वो और आगे बढ़ेगी, और उत्तर प्रदेश के अंदर 350 प्लस के साथ हम सत्ता में 2022 में वापसी आएंगे। आप एक महानगर अध्यक्ष हैं, मुस्लिम समुदाय को जोड़ने के लिए क्या काम करेंगे आप आज के दिन? मुस्लिम समुदाय के लिए हम जो योजनाएं हैं योगी जी की और मोदी जी की लाए हुई, वो जन जन तक पहुँचा रहे हैं, और लोगों की समझ में आ रही है कि भाजपा जो है मुस्लिम विरोधी नहीं है। जैसे सेवा सप्ताह के रूप में शुरू हो गया है मोदी जी के जन्मदिन, तो क्या क्या काम करेंगे आप सप्ताह? अभी हम कल से लोगों में फल बांटेंगे, अस्पतालों में जाएंगे, मुस्लिम बस्तियों में जाएंगे, कुछ फल बांटने हैं, कुछ लड्डू बांटने हैं, जिन्हें जैसी जैसी व्यवस्था हमें पार्टी से आदेश मिलेंगे वैसे वैसे हम काम करेंगे। क्या कहना चाहते हो मुस्लिम समुदाय के लोगों से? हम चाहते हैं मुस्लिम समुदाय के लोगों से कहना ये कि भाजपा से जुड़ें, भाजपा को वोट दें, 2022 में माननीय योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएं। ठीक है मेरी जान। हटो हटो ताली बजाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, काशी खान बल्ला जी का ध्यान रखना। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हमका मोर्चा जिंदाबाद, विश्वास हमें मोदी जी पर है विश्वास, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अजीम पाशा मिठाई कहां घुस गया बीच में यार, मामू इधर आओ। मैं नहीं काशी खान जाना पसंद था। तुम इसका हाथ पकड़ो, बात आदमी।